Hello everyone, I'm Dr. Vaishnavi and with me I have two young boys who have done amazingly well for themselves in the FMG examination and we at PrepLadder are extremely proud of them. Let's listen to them first and then I'll have some questions to answer from them. Hello Dr. Pradyum and hello Dr. Madhur. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Yeah, so how is it feeling now that you've finished your examination? I'm sure one burden is off your head and with the results that are so wonderful, how do you feel? It's a great feeling that we are getting, like, we have done FMG with such a good marks. Finally, it's done. Wonderful. And you, Dr. Madhur, how are you feeling? Amazing, ma'am. बहुत सारा बर्डन रिलीफ हो गया. Yeah. So we'll start with you, Dr. Madhur. I'd like to know how was your preparation? कहाँ से start किया? What year you started in? And what was your primary resource? And how did you manage to get this amazing 216, 15 marks? Can you just tell us in detail about it? श्योर मैम, मैंने फोर्थ ईयर से स्टार्ट किया और फोर्थ ईयर में मैंने पूरा जो प्रिपरेशन है पूरा प्रेप लैडर से है. मैं प्रॉफ वाइज ही गया एनेटमी से स्टार्ट करते करते एंड तक, और क्यू बैंक भी साथ में करता रहा मैं, और वीडियोस भी सारी देखी. और इंडिया आने से पहले पहले मैं 2 बार सारी वीडियोस और सारे क्यू बैंक्स कर चुका था. ओके और यस मैम, एंड वेयर वर और यू बिफोर कमिंग टू इंडिया? कौन से कंट्री से पढ़ रहे थे आप? रशिया पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. ओके ओके एंड वाज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट इनटू एफएमजी? यस मैम. ओके और उसके बाद क्या किया? वंस यू रीच्ड इंडिया व्हाट डिड यू डू? मेरी मेडिसिन रह गई थी सेकेंड टाइम, मैंने वो कंप्लीट किया जल्दी से. और उसके बाद रैपिड रिवीजन पूरा देखा मैंने, और साथ में रैपिड रिवीजन के क्यू बैंक पूरे सॉल्व किए. और साथ में मैं जीटी देता था हर 20 डेज में एक बार. और लास्ट मंथ में मैंने आईएलआरआर देखे सिर्फ, और जीटी किए हर 10 डेज में, और कस्टम मॉड्यूल एवरी डे 20 क्वेश्चंस. वंडरफुल. तो ये जो जैसा परफेक्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, लाइक यू हैव टू फिनिश ऑल द मेन वीडियोस एंड देन आरआर, देन नोट्स एंड क्यू बैंक एंड एलआरआर, मतलब जो करना था सारा कुछ ही किया आपने. अभी सुनते हैं फ्रॉम डॉक्टर प्रद्युम, हाउ डिड यू प्रिपेयर एंड ऑल्सो टेल मी वेर आर यू फ्रॉम एंड बेसिक अबाउट वेर डू यू लिव? I'm from Rewari, Haryana, and I've done my graduation from Ukraine, Kyiv Bogomolek National Medical University. Yes, so I'm graduated in June of this 23. ओके Yes, एंड कैसे प्रिपरेशन किया आपने? मतलब आप जून से ही पढ़ाई कर रहे थे या उससे पहले भी कर रहे थे आप पढ़ाई? मैम, जून से पहले मेनली मैंने अपना सारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का वो मेन वीडियो सच्चे से कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद मैंने एक रैपिड रिवीजन है, देन उसके बाद फिर एलआरआर सेशन स्टार्ट हो गया था लास्ट में. वो तो बहुत हेल्पफुल था एलआरआर सेशन, उनको अच्छे से एक बार लिख लिया, बार बार रिवाइज कर लिया, और प्रेपरेटर से पीवाई की यूज कर लिया अच्छे से, तो इनफ. यस So, both of you doctors, if I'd ask you a simple question, what is the relevance of doing the main videos and main, all the long clinical videos from PrepLadder and making the notes versus just jumping to rapid revision and LRR? What would you say? What is your take, Dr. Madhur, on it? मैम, मेन वीडियोस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वही बनाते हैं आपके. और अगर आपके पास टाइम है तो मेन वीडियोस तो ज़रूर करनी चाहिए, और सारे क्यू बैंक भी, क्योंकि जब तक आप फिर इंडिया आओगे तो आप रैपिड रिवीजन भी बहुत अच्छे से और 1.5x पे भी देख के आराम से कर सकते हो. तो वो सीधा रैपिड रिवीजन पे जाओ तो सब कुछ नया नया लगता है, तो इतना धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे बीच में गैप्स होते हैं कॉन्सेप्ट्स में. लेकिन अगर आपने पहले ही कर रखा है तो मतलब रैपिड रिवीजन बहुत बढ़िया चीज़ है फिर तो. और वंडरफुल. यस मैम, और क्यू बैंक भी मतलब साथ साथ करना इज बेटर? क्यू बैंक तो मतलब रोज ही करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं लेकिन आप रूल आउट नहीं कर पा रहे ऑप्शंस, तो कोई मतलब नहीं है उसका. क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता हो लेकिन एग्जाम में इतने क्लोज ऑप्शन आते हैं कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी इंट्यूशन ही बन जाए, कि आपको पता हो कि हाँ ये लग रहा है. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इंट्यूशन ही काम करेगी. पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा हुआ था. एब्सोल्युटली ट्रू. मतलब एमसीक्यू टेकिंग एबिलिटी एक चीज होती है और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना एक चीज होती है एंड यस मैम, अनलेस यू प्रैक्टिस आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी टफ. व्हाट डू यू हैव टू से डॉक्टर प्रद्युम टू इट? डॉक्टर मधु ने अच्छे से एम्फेसाइज किया है, क्योंकि क्या ना, मेन वीडियो से एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो तो यू मेड योर बेसिक्स बेसिक कंसेप्ट क्लियर. तो एक बार क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, तो रैपिड रिविजन है,
LRR है, ये बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। बट मेन वीडियो से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है इसमें। Absolutely true. I think shortcuts will not help you every time. Kabhi kabar, if you're lucky, shortcuts can help you. But main videos karna is absolute must, I would say. And the earlier you start, the better you get once you come to RR and LRR. So very, very true. Abhi notes ke baare mein kya kehna hai? Both of you, khud se notes banaya tha ya fir notes khareeda prep ladder se? Kaise kiya, Dr. Madhur? मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने खुद बनाया, लेकिन फिर जब मेरे पास डिलीवरी आ गई नोट्स की तो मैंने एनोटेट किया। लेकिन आपको जैसा सही लगे वो आप पे डिपेंड करता है, मुझे तो दोनों सेम ही लगे थे। मैं प्रिंटेड से भी पढ़ता था तो भी सेम ही लगता था, हाथ से खुद से बनाया तब भी सेम ही लगता था। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो तब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हाथ से लिखो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिटेंशन में मतलब हेल्पफुल रहता है। एंड व्हाट अबाउट यू डॉक्टर प्रद्युम, आपने खुद से नोट्स बनाए थे या फिर यस मैम, मोस्ट ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स का आई मेड नोट्स बाय माय सेल्फ, बिकॉज वो थोड़ा अच्छा एक कनेक्शन होता है ना हैंड रिटन नोट्स का, और फिर बाकी रिवीजन में भी हेल्पफुल होते हैं हैंड रिटन नोट्स। एंड शॉर्ट शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए आई यूज दैट के नोट्स। ओके, सो मिक्स एंड मैच किया, जहां पे लगा कि खुद से करना है वहां खुद से किया, और जहां पे जो हाई स्कोरिंग मार्क्स है जिनको अच्छे से याद करना, लाइक PSM, उनको अच्छे से बार बार लिखना होता है तो वो अच्छा हैंड रिटन नोट से गो थ्रू कर सकते हैं इजीली, कुछ ऐड करना है अच्छे से वो कर सकते हैं। बाकी स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए ये प्रेप लेटर के नोट्स अच्छे लगते हैं, एंड आई थिंक वो टाइम भी सेव करता है कि शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए जहां टाइम पे से भी। या वेर यू डोंट नीड टू स्पेंड सो मच टाइम नोट्स बनाने में, यू कैन एक्चुअली टेक द नोट्स एंड कीप रीडिंग इट. यस ओके, और डॉक्टर प्रद्युम, डिड यू गिव जीटीज एंड द चैंपियंस एग्जाम जो प्रेप लेटर ने कंडक्ट की थी? यस मैम, चैंपियनशिप एग्जाम्स वो बहुत अच्छे थे, बाकी GTs भी आई गेव एट मैनी प्लेटफॉर्म्स, और बाकी प्लेटर पे आई गेव 9-10 GTs। ओके, और जीटी में स्कोर इम्प्रूवमेंट होता था, ऐसे ट्रेंड दिखता था या? स्कोर हाँ, लाइक एवरी GT के बाद 5-10 का स्कोर इम्प्रूव होता है। तो इनिशियली जब फर्स्ट GT था 156-160 मार्क्स आए थे उसमें। डॉक्टर मधुर, हाउ वाज इट विद द जीटीज एंड द चैंपियंस एग्जाम? कितने जीटीज दिए, क्या फ्रीक्वेंसी पे दिया? हाउ वाज योर स्कोर इन द जीटीज एंड द चैंपियंस एग्जाम? डिड यू फाइंड इट रेलेवेंट टू द फाइनल एग्जामिनेशन? कुड यू जस्ट शेयर योर इनसाइट्स ऑन दैट? GT आई फर्स्ट गिव व्हेन आई कंप्लीटेड ऑल माय सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद मैं मंथली देता था, और यहाँ पे इंडिया आने के बाद हर 20 डेज पे, और 1 month एग्जाम से पहले हर 10 डेज पे। और मैंने सारे GT प्रेप लेटर से दिए हैं, सिर्फ एक आध GT बाहर से दिया लेकिन वो काउंट नहीं करते। सारे GT प्रेप लेटर से दिए और मेरा हमेशा स्कोर 200 के आसपास ही रहा है। तो मतलब कह सकते हैं कि प्रेप लेटर के GT जो है वो आपकी ऑलमोस्ट सेम रैंक और सेम स्कोर प्रिडिक्ट कर देंगे जो आपके FMG में आने वाले हैं, और और चैंपियंस कॉन्फिडेंस बहुत दिया था ज्यादा। आपने, लाइक लास्ट में जो चैंपियंस एग्जाम दिया था आपने? फर्स्ट चैंपियनशिप एग्जाम नहीं दिया था तब, मैं रैपिड रिवीजन पहले कंप्लीट करना चाह रहा था अपना, तब मेरा हुआ नहीं था। पर मैं चैंपियनशिप 2 दिया था और उसमें भी मेरे 220 समथिंग आए थे। यस सो वेरी क्लोज टू योर फाइनल एग्जाम मार्क्स. यस मैम, और अगर कोई सोच रहा है कि जीटीज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, व्हाट वुड यू से, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जीटी? यूजली बच्चे इसलिए देते क्योंकि वो डरते हैं, लेकिन आपको एक बार आप दे दो कोई बात नहीं, डर के साथ दो लेकिन दे दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो। मुझे जब पहली बार मैं स्कोर 200 के आसपास आया था तो मैं मतलब बहुत मेंटली रिलैक्स हो गया था, फिर मैं आराम से पढ़ता था और आराम से कंसिस्टेंटली सेम 6-7 घंटे रोज पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ चलो पास तो हो ही जाऊंगा एटलीस्ट। हाँ, सो आई थिंक जीटीज इज समथिंग दैट विल गेट यू ऑन ट्रैक. मतलब इधर तुम अच्छा कर रहे हो तो भी यू विल बी काम एंड कंपोज दैट ओके आई एम डूइंग वेल. इवन इफ यू डोंट डू वेल, यू नो दैट आई हैव टू पुश अप माई सेल्फ एंड पंप अप टू गेट इन टू द ट्रैक. सो इधर वेज आई थिंक जीटीज इज समथिंग दैट एवरी वन मस्ट एंड शुड डू. वट डू यू थिंक डॉक्टर प्रद्युम? GTs तो आई गेव 10 अराउंड 9-10 GTs, और स्कोर जो इम्प्रूव हो रहा था इनिशियली 156 और 160 का राउंड था, फिर हर बार 5-10। लास्ट चैंपियनशिप एग्जाम्स अच्छे थे, वो बहुत अच्छे थे ओके, और उनके चैंपियंस क्वेश्चन। एग्जाम का स्कोर और फाइनल स्कोर वो सिमिलर? चैंपियनशिप एग्जाम का स्कोर वाज अराउंड 220-226 अराउंड दिस। ओके, सो मोर और लेस द यस सेम.
मोर और लेस मतलब 200+ आ गया इस सब्जेक्ट से. वंडरफुल. और वन लास्ट क्वेश्चन, इन द एंटायर फैकल्टी डू यू हैव एनी स्पेसिफिक फेवरेट्स होम यू वुड लाइक टू से थैंक यू, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म आपके सामने है, दिस इज योर प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट मी, आई एम जस्ट टेलिंग इन जनरल अबाउट ऑल द 19 एजुकेटर्स. आपको जिस जिसको थैंक यू बोलना है, जिनको हुएवर हैज मेड दैट इम्पैक्ट इन योर लाइफ, टेक अप दिस प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक यू शुड थैंक देम. सो इफ यू वुड लाइक टू. यस मैम, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर दीपक मारवा. He helped me a lot. मैं उनका वीडियोस मतलब थर्ड फोर्थ ईयर से देख रहा हूँ. बाकी क्लिनिक मेरा मेडिसिन उन्हीं से ही स्ट्रॉन्ग हुआ अच्छे से. Very nice. He is the god of medicine, जैसे सब बोलते हैं. Truly he is the god of medicine. And what about you, Dr. Madhur? मैम, फर्स्ट ईयर में जब मैंने पहला एनाटॉमी का सब्जेक्ट उठाया था, तब राजेश कौशल सर से ही पढ़ा था मैं. मतलब उन्होंने जैसे पढ़ाया तो उससे बहुत समझ आया कि आपको पढ़ना कैसे है, कि सब कनेक्ट करके आपको सब साथ में लेके चलना है. और सेकेंडली सर दीपक मारवा सर, तो उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो बेस्ट है. सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन स्पेशली क्योंकि राजेश कौशल फर्स्ट टीचर थे मेरे, और एंड में दीपक मारवा सर जो सारे सब्जेक्ट एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, बहुत अच्छा था मैम. और आपको किसी और को थैंक्स कहना है, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, यू वुड लाइक टू टेल एनीथिंग टू देम? ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब फैमिली के बिना तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते थे. और फ्रेंड्स ने तो बहुत, मतलब यहाँ पे गौतम नगर में आके फ्रेंड्स के बिना आप, मतलब मैं पर्सनली अकेले बहुत सारा टेंशन होते हैं. फ्रेंड्स साथ में रहते हैं तो आप अपने पेस पे भी रहते हो, आप अपने प्रिपरेशन भी करते हो, और आप चिल भी कर सकते हो उनके साथ ब्रेक्स लेके. तो सबको मतलब थैंक यू. या डॉक्टर प्रद्युम, आपको आई वांट टू टेल, यू वांट टू थैंक यू? मैं थैंक्स टू माय फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल, इन लाइक हु बिलीव्ड मी, इन बाहर भेजा. और स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड आल्सो हु शोड मी ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर में उस टाइम इतना नहीं पता था. प्रिपेयर्ड रहे मैं, उन्होंने बहुत गाइड किया अच्छे से. Wonderful. So it was an amazing conversation with both of you. Do you have any specific things to tell more, or should we conclude the session here? एक बात बोल सकता हूँ मैं, मतलब आप ज्यादा घंटे पढ़ो कम घंटे पढ़ो वो हर दिन चेंज होगा, पर उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना. दो चीज करो बस, आप रोज सुबह उठ के प्लान बनाओ आपने क्या क्या करना है, और एक्सपेक्ट करो कि आप पूरा नहीं करोगे. आप 80-90% करो वो भी इनफ है, लेकिन रोज करो बिना ब्रेक के. रोज करना है, चाहे आप 4 घंटे पढ़ो 3 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो. तो मेरे लिए वही काम किया है, मैं फोर्थ ईयर से ऑलमोस्ट रोज पढ़ाऊँ, और एंड तक आते आते भी मैं कभी एक्सट्रीम आवर्स नहीं पढ़ा, मैं कभी 12 घंटे 10 घंटे भी नहीं पढ़ा, मैक्सिमम मैं 7 घंटे पढ़ाऊँ जब बिल्कुल ही एंड में आके. तो मैं तो कहूंगा कंसिस्टेंसी इज द की. Yeah, and being realistic also, कि ना how yes. much you can do, just because सारे लोग आजू बाजू में इतना पढ़ रहे हैं, night out कर रहे, doesn't mean that you should also follow the league. You should do what suits you the best. Yes, ma'am. Yes, and what about you, Dr. Pradyum? You want to conclude with any statement? So, ma'am, consistency तो रखना ही है, वो तो बहुत important है. Yes, ma'am. बाकी motivated रखना, मतलब self motivation ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाहर से लोग अलग अलग चीजें बताते रहते हैं, कुछ लोग demotivate भी कर देते हैं. कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है लाइफ में कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, बट जस्ट कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, दैट्स इट. और बाकी कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो डेली 2-3 आवर्स, अच्छे से अपना टॉपिक्स क्लियर करते रहो, दैट्स इट. Wonderful, wonderful. I think that's also very true. Ki self-motivation na exam tak hi nahi, future mein bhi kaam aata hai, because life is not only until exam. Uske baad bhi you will have so many hurdles, so many obstacles. And unless you know how to keep yourself motivated, you can't progress through the exam of life, I would say. So these are wonderful messages from both of you. Thank you for giving us your time and for choosing Prep. Thank you very much, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, it was wonderful talking to both of you, and wishing you all the best for the future. And we are very, very proud of both of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.